आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने मेधावी छात्रों का अभिनंदन किया। दरअसल डिब्रूगढ़ शहर के अन्यतम शैक्षणिक संस्था दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के पहले बैच ने हाल ही में घोषित CBSE की 10वीं की परीक्षा में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद विद्यालय में काफी उत्साह का माहौल व्याप्त है। इसी कड़ी में स्कूल के परिसर में आज मेधावी छात्रों के अभिनंदन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने किया मेधावी छात्रों का अभिनंदन। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ शहर की अन्यतम शैक्षणिक संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के पहले बैच ने हाल ही में घोषित CBSE की 10वीं की परीक्षा में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं विद्यालय के प्रियांशु शेखर ने सर्वाधिक 98.4% से अर्जित किया है, जिसके बाद विद्यालय में काफी उत्साह का माहौल व्याप्त है। स्कूल के परिसर में आज मेधावी छात्रों के अभिनंदन के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला उपायुक्त संगमित्र बरुआ, ज्ञान वेद फाउंडेशन के संस्थापक महावीर प्रसाद जैन, DPS के चेयरमैन संजय जैन तथा विद्यालय की प्रिंसिपल प्रभाती विश्वास के साथ ही शिक्षक, अभिभावक व विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ श्लोक व गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि ADC संगमित्र बरुआ के साथ अन्य अतिथियों ने किया। समारोह में 98.4% अंक अर्जित करने वाले प्रियांशु शेखर के साथ ही अन्य मेघावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और फुलाम गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला उपायुक्त संगमित्र बरुआ ने अपने संबोधन के दौरान अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से कहा कि अभी और भी परीक्षाएं आप लोगों को देनी है और अपनी प्रतिभा को और धारदार बनाते हुए आपको न केवल बेहतर प्रदर्शन करना है, वरन अपने अपेक्षाकृत कमजोर साथियों को भी मदद कर आगे बढ़ाने की मिसाल पेश करनी है। शिक्षा के साथ ही अपने संस्कार को भी जीना है। विद्यालय की सफलता पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि DPS के सम्मान समारोह में आमंत्रित कर उनका मान बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल डिब्रूगढ़ आगे और भी शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचेगा। विद्यालय के चेयरमैन संजय जैन ने बच्चों को उनकी बेहतर परिणाम के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मालूम हो कि DPS डिब्रूगढ़ के 33 विद्यार्थियों ने पहली बार 10वीं की परीक्षा दी है। 10वीं की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों ने 95% और अंक और 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और शेष विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का अंक 90% रहा है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। 98.4 बस अच्छा लग रहा है इतना लाने के बाद। सिर्फ रेगुलर स्टडीज करना पड़ेगा और बस यही कहना चाहूँगा, आई थैंक ऑल द DPS फैकल्टी फॉर प्रोवाइडिंग मी एन एक्सटैटिक एटमॉस्फेयर। मैं अगर DPS फैकल्टी नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। एंड एट लास्ट मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत, आई डेडिकेट दिस टू माई मॉम एंड डैड, बिकॉज इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर 98.4%। सो दैट्स ऑल। मैं आगे की सोचे कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, कंप्यूटर साइंस, फिर IIT बस। थैंक यू। तो आपनी कर दौरे खूबे धुनिया और अनुष्ठान आमार प्रथम बेच जी एबार क्लास 10 बोर्ड परीक्षा दी CBSE तेलोर सम्बर्धना अनुष्ठान अनुषित पेरेन्ट्सक मा देक माति से खूब भल लगे। 33 जन लरा छलिए पियर कर प्रथम बेचर पर सकोए भल रिजाल्ट कर और मैं आशा रखी DPS डिब्रुगढ़ पर अनगत दिन अह बस सको आम भल रिजाल्ट कर पे लरा छी ऊल्ब। में आज हमारे जो क्लास 10 का CBSE का जो रिज़ल्ट आया, पहला बैच अपीयर हुआ था इस बार 2023 के एग्ज़ाम में और 33 बच्चों ने अपीयर किया था और स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और पहले बैच के हिसाब से तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट है, मतलब ओवरवेलमिंग रिज़ल्ट है और क्लास मतलब ये जो टॉपर है ये स्कोर 98.4%।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।